Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पहले स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए शहबाज शरीफ की कि हम आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे, हम उसको गलियों में घसीटेंगे। चार साल चुप रहे, ये भी अभी तक पूरी उसकी मदद करते रहे आसिफ जरदारी, और अब आके इलेक्शन के करीब ये भी फिर नूरा कुश्ती शुरू। आपने कहा शहबाज शरीफ पर कमीशन बनाया जाए तो, और दूसरा आप कराची जा रहे हैं, सलमान मुजाहिद जो उनका एमएनए एमकेएम का, उसने इल्जाम लगाए कि एमकेएम वाले अब भी लंदन से टच में, इसके दोनों के क्या क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो इस बार पाकिस्तान की कौम किसी किस्म के एनआरओ को मानेगी नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगी। पहले हो गया नवाज शरीफ ने एनआरओ लिया मुशरफ से 2000 में, और 10 साल का चला गया मुआहदा साइन करके जदे, पैसा पाकिस्तान का चोरी हुआ था, मुशरफ का कोई हक नहीं पहुंचा था कि एक करप्ट आदमी को पाकिस्तान के पैसे चोरी करने पे जो उसके ऊपर इल्ज़ाम थे उनके ऊपर माफ़ कर दे और एनआरओ दे दे। फिर आसिफ जरदारी उसको वापस आया, उसको एनआरओ दिया मुशरफ ने, और उनके 2 अरब रुपया खर्च किया था स्विस अकाउंट्स के, इनके जो स्विस अकाउंट्स थे वकीलों पे 2 अरब रुपया खर्च किया था मुशरफ ने, उसने उसको एनआरओ दे दिया जबकि पैसा पाकिस्तानियों का था। अब पाकिस्तानी ये कौम किसी किस्म के एनआरओ को तस्लीम नहीं करेगी। ये जो शहबाज शरीफ की बातें हो रही हैं ये कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। मैं आपको कहता हूँ कि अगर इस बार ये एनआरओ दिया मैं सारे पाकिस्तान को सड़कों पर निकालूंगा, हम किसी सूरत ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हुदैबा पेपर मिल का केस ओपन एंड शट केस है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, हम सारी कौम की डिमांड है कि इसको लगाया जाए फौरी तौर पर। ये नहीं अब हम तस्लीम करेंगे कि जी मुकमुका हो डील्स हो, हम सारा जो करप्ट माफिया है हम इसके पीछे, सारी कौम इसके खिलाफ खड़ी है, हम इनको जेल में देखेंगे और हम किसी फिर से किसी किस्म के एनआरओ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट पर बहुत हो रही है बातें, एक सियासी कोत है वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें पीछे कर रही है, आपके सियासी मुखालिफिन आप पे ये इल्जाम लगाते हैं कि आपको आपको थर्ड एम्पायर उंगली का इंतजार है और आप एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे ये बताएं कि मैं अगर कह रहा हूँ अली इलेक्शन करवाओ तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या हाथ है? मैं अगर ये कह रहा हूँ कि ये सारे जो मसले मसाले गवर्नमेंट है ना चल रही है, माशी बुरहान अरूज पे है, जो मेशत का हाल है, जो कर्जों में डूब रहा है पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी वो कोई समझ नहीं आ रही लोगों को, चारों तरफ से जो थ्रेट्स हैं हमें, और उसके अलावा जो आप देख लें कि खुद ही मुल्क के स्टेट मिनिस्टर्स, मुल्क का वजीर आजम एक करप्ट आदमी जिसके ऊपर 300 अरब रुपए की चोरी है, उसके साथ वो मिला हुआ है, तो ये स्टेट तो नहीं है। इसलिए हम अगर एस्टेब्लिशमेंट होती तो हम ना ये बात करते, हम कहते कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, हम कहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, ये जमहूरी तरीका है। आपके रवाबत भी काफी अच्छे बेहतर हो गए हैं, अभी एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रही है सलमान मुजाहिद बलोच के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या है और आप कहाँ पर खड़े होंगे? देखिये, एमक्यूएम का मुस्तकबिल सिर्फ तब है जब वो अल्ताफ हुसैन से अपने आप को जुदा करें। अल्ताफ हुसैन ने अब जो सारा पहले कोई छुपाते भी थे अब वो खुल के आ गए हैं कि वो पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, वो पाकिस्तान की मुल्क की तकसीम करना चाहते हैं, वो पूरा और पूरा हिंदुस्तान का एजेंडा के ऊपर अब आ गए हैं। जो भी पार्टी उनके साथ मिलेगी पाकिस्तान की कौम उसको मुस्तरद करना चाहिए, लेकिन इनको तो इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की। ये तो हिंदुस्तान में कोई पार्टी ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की तकसीम करेंगे पाकिस्तान के साथ मिलके, वो एक मिनट भी चल नहीं सकती हिंदुस्तान में। इसलिए अगर तो इनको अलहदा करेंगे तो इनकी चांस है, अपने आप को इनको अल्ताफ हुसैन से अलहदा करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 7 में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर एक दफा फिर से उन्होंने इस बात की मजम्मत की कि उन्हें लाल शहबाज कलंदर के मजार में हाजिरी से रोका गया, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सहाफियों के सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए। खबर की दुनिया से फिलहाल इतना है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।